हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोटिको मेविन। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल पीएनपी पावरशेल मॉड्यूल फॉर शेयरपॉइंट ऑनलाइन। अगर आप पहली बार इस पीएनपी शेयरपॉइंट ऑनलाइन पावरशेल मॉड्यूल को अपने कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एग्जीक्यूशन पॉलिसी को सेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप टाइप कर लीजिए पावर शेल, विंडोज़ पावर शेल आईसी। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए, यस कर दीजिए। फिर यहाँ से दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग का यूआरएल है। मैं ये यूआरएल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स पे दे दूंगी। सारे जितने भी कमांड्स मैं अभी रन करने वाली हूँ, वो उस ब्लॉग से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड आपको रन करना है वो है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्ट। चलिए, मैंने पावर शेल ऑनलाइन आईएसी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लिया था, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देती हूँ और इसको रन कर देती हूँ। यस टू ऑल पे क्लिक करना है। तो देखिए, ये वाला कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आपने कभी भी शेयर पॉइंट पीएनपी पार्शल ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे यूज़ नहीं किया है, तो ये जो फर्स्ट अभी जो कमांड दिखाया मैंने, वो वाला सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी और ये वाला इंस्टॉल मॉड्यूल वाला, ये वाला आपको सिर्फ एक ही बार आपके कंप्यूटर में रन करना है। तो इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे एंड पेस्ट इट। अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड रन दिस कमांड। यहाँ पे येस टू ऑल कर दीजिए। तो देखिए, ये डाउनलोड इंस्टॉल हो रहा है बैकग्राउंड पे, सारे सिंटैक्सेस, सारे मॉड्यूल्स, सब कुछ ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। आपको इम्पोर्ट करना है जो अभी अभी हमने इंस्टॉल किया है। हर स्क्रिप्ट के शुरू में आपको उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। तो अभी इस लाइन को हम एक्सिक्यूट कर लेते हैं, ये इम्पोर्ट हो गया। अभी हम हमारा शेयर पॉइंट ऑनलाइन का साइट जो भी है उसको कनेक्ट करेंगे। जिस भी साइट पे आप काम करना चाहते हो, उस साइट को यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट पीएनपी ऑनलाइन, यहाँ पे शेयर पॉइंट साइट के यूआरएल देना है। मेरे पास एक टेस्ट साइट है, दिस इज माई टेस्ट शेयर पॉइंट ऑनलाइन साइट। ये कम्युनिकेशन साइट है, इसके यूआरएल को मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो अभी लॉगिन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। आप क्रेडेंशियल डाल सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर आपको एक इजी वे में अगर बताऊं तो आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ वेब लॉगिन, ये वाला पैरामीटर। तो आप ये वाला पैरामीटर यूज़ करोगे तो आपको अपने अगर लॉगिन किया हुआ है कभी भी थ्रू पावर शेल आपके शेयरपॉइंट साइट में, तो ये अपने आप लॉगिन कर देगा। आपको क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये लॉगिन हो गया, कनेक्ट हो गया मेरा ये साइट, मतलब ये वाला लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। दैट मीन्स ये लॉगिन हो गया। अगर आपने कभी पावर शेल से लॉगिन नहीं किया है शेयरपॉइंट ऑनलाइन में, तो अब इस पैरामीटर को हटा के आप चला सकते हैं, इस लाइन को चला सकते हैं आप यहाँ से। तो आपको एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर ऐसे यहाँ पे आपको शेयर पॉइंट का यूज़र नेम, शेयर पॉइंट साइट का यूज़र नेम पासवर्ड देके ओके करना पड़ेगा, तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने पहले से एक बार कनेक्शन करके रखा है, तो मैंने बस वेब लॉगिन का ये पैरामीटर का यूज़ किया, सो दैट आपको इन फ्यूचर ये काम आए, तो इससे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन हो गया अपने आप विदाउट पुटिंग एनी यूज़र नेम और
पासवर्ड। सो ये हो गया हमारा आज का फुल ट्यूटोरियल। हमने सीखा कि अगर आप पहली बार अपने कंप्यूटर से पावरशेल कमांड्स रन करवा रहे हैं तो आपको एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करना पड़ेगा पहले तो। उसके बाद आपको अगर पावरशेल कमांड यूज़ करके शेयर पॉइंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मॉड्यूल का नाम है शेयर पॉइंट PNP PowerShell Online। ये मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे पावर शेल में तो आप ये लाइन सबसे पहले रन करा सकते हैं। ये लाइन इंपोर्ट करेगा आपके इंस्टॉल्ड मॉड्यूल को, बट ये मैंडेटरी लाइन नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप, बट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। उसके बाद आप जिस भी साइट से कनेक्ट करना चाहें इस कमांड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है, कोई शेयर पॉइंट लिस्ट को गेट करना है, नया कोई शेयर पॉइंट लिस्ट क्रिएट करना है, वो सब आप यहाँ से उसके बाद से कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन।